अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर। मैं आपको उर्दू की हरूफ तहजी लिखना सिखाऊंगी, अलिफ़ लिखना सिखाऊंगी, कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो हरफ है वो है अलिफ। क्या है? अलिफ। अलिफ के बाद दूसरा हरफ क्या है? अलिमद आ। दूसरा हरफ क्या है? अलिमद आ। फिर क्या है? बे। बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? एक। और बे राइट साइड से स्टार्ट होता है और लेफ्ट साइड पे जाके ख़त्म होता है। बे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ता होता है। पे। पे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? तीन नुक्ते होते हैं। ते। ते के अंदर कितने नुक्ते होते हैं? दो नुक्ते होते हैं। फिर है टे। टे के अंदर कितने क्या है? टोपी, छोटी सी, जिसे हम तोएँ बोलते हैं, छोटी सी तोएँ हैं। फिर है से। से के अंदर कितने नुक्ते होते हैं? तीन। शाबाश। बे, पे, ते, टे और से, ये पांचों फैमिली मेंबर्स हैं। ये पांचों हरफ जोन से हैं वो क्या हैं? फैमिली मेंबर्स। देखो इनकी शेप एक जैसी है ना, जिन हरूफ की शेप शक्ल एक जैसी होती है वो फैमिली मेंबर्स होते हैं। अब देखें अलिफ और अलिमद आ, इनकी शेप भी एक जैसी है ना, अलीमद्दा के ऊपर मद है इसलिए बस थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों फैमिली मेंबर्स हैं। बे, पे, ते, टे और से, इनकी जस्ट नुक्तों का फ़र्क है इसलिए ये भी फैमिली मेंबर्स हैं। आगे क्या है? जीम। जीम के अंदर कितने नुक्ते होते हैं? एक। चे। चे के अंदर कितने नुक्ते होते हैं? तीन। शाबाश। हे। हे के अंदर कोई नुक्ता नहीं होता, ना हे के अंदर कोई नुक्ता होता है और ना ही हे के ऊपर कोई नुक्ता होता है। आगे क्या है? खे। खे के ऊपर एक नुक्ता है। जीम, चे, हे और खे, ये चारों फैमिली मेंबर्स हैं। आगे क्या है? दाल। डाल। डाल के ऊपर एक छोटी सी टोपी होती है। फिर है जाल। जाल के ऊपर एक नुक्ता होता है, दाल के ऊपर कुछ भी नहीं होता। दाल, डाल और जाल, ये तीनों फैमिली मेंबर्स हैं। शाबाश। आगे हैं रे, अड़े, जे और जे, रे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। रे के ऊपर छोटी सी टोपी होती है जो टे के ऊपर भी होती है, डाल के ऊपर होती है और अड़े के ऊपर होती है। फिर है जे। जे के ऊपर क्या होता है? जे के ऊपर एक नुक्ता होता है। फिर है ये। ये के ऊपर तीन नुक्ते होते हैं। शाबाश। रे, अड़े, जे और ये चारों फैमिली मेंबर्स हैं, एक खानदान है। आगे है सीन और शीन। शीन के तीन दंदे होते हैं, तीसरे दंदे से वो नीचे जाके ऊपर को गोल हो जाता है। सीन और शीन, सीन के ऊपर कुछ भी नहीं होता, शीन के ऊपर तीन नुक्ते होते हैं। सीन और शीन, ये दोनों फैमिली मेंबर्स हैं। आगे है स्वाद और ज़ुआद। ज़ुआद के ऊपर एक नुक्ता होता है। स्वाद और ज़ुआद, ये दोनों फैमिली मेंबर्स हैं। आगे है तोएं और ज़ोएं। तोएं के ऊपर कुछ भी नहीं है और ज़ोएं के ऊपर एक नुक्ता है। तोएं और ज़ोएं, ये दोनों भी फैमिली मेंबर्स हैं। आगे है ऐन, गैन। ऐन के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता और गैन के ऊपर एक नुक्ता होता है। ऐन और गैन, ये दोनों भी फैमिली मेंबर्स हैं। आगे है फे। फे के ऊपर एक नुक्ता होता है। काफ। काफ के ऊपर दो नुक्ते होते हैं। काफ, एक काफ दो नुक्तों वाली होती है और एक काफ एक खत वाली होती है। फे, काफ और काफ। गाफ। गाफ के ऊपर दो खत होते हैं, काफ और गाफ, ये दोनों फैमिली मेंबर्स हैं। इन दोनों की शेप से एक जैसी है लेकिन इनके ऊपर खत, काफ के ऊपर एक खत होता है और गाफ के ऊपर दो खत होते हैं। अब मेरे साथ फिर से एक दफ़ा रिपीट करें। अलिफ, अलिमद आ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे,
दाल, डाल, जार, रे, अड़े, जे, से, सीन, शीन, स्वाद, ज्वार, तोहें, जोएं, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाओ, हे, हमजा, छोटिए, बड़िए। शाबाश। अब आपने इसे बार बार रिपीट करना है और आपने इसको 2 times राइट करना है और आपने मुझे इसकी पिक्चर सेंड करनी है आफ्टर 2 hours। ठीक है।